हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है आपको, यूजफुल है आपके लिए, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो का पर्पस है आपका कंप्यूटर साइंस से कोई भी पेपर हो, आपका यूजीसी नेट हो या डीएसएसपी पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए या एचटेट पीजीटी के लिए, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मैनी फुल एडर आर रिक्वायर्ड फॉर एम बिट पैरेलल एडर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, एम। 71 का डायनेमिक रेस है। डायनेमिक रेस आपकी कब आती है? आपकी इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। 72 शिफ्ट रजिस्टर किस लिए यूज होता है? पैरेलल टू सीरीज, सीरीज टू पैरेलल, तो ये दोनों के लिए होता है। डिजिटल डिले लाइन तीनों के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबाव। 73 आपका फ्लिप फ्लॉप इज फ्री फ्रॉम रेस अराउंड प्रॉब्लम। 73 में आपका ऑप्शन नंबर सी, मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप। 74 इनपुट दिए हुए है, ट्रेन है वो क्लॉक पीरियड टी, इसको सोल्व करके आपका आंसर आएगा ए, एन माइनस वन टी। जेके 75 क्वेश्चन नंबर, जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप आपकी होती है 75 में एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड ए टी फ्लिप फ्लॉप, इन दोनों को मिला के आपका जेके फ्लिप फ्लॉप बनता है। 76 द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप इज दैट। तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, जेके फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट बोथ इनपुट एज वन। 77 में आपका बुलियन एलजेब्रा से लिया गया है, द टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट इन बुलियन एलजेब्रा मीन्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी और फंक्शन इज, जो और फंक्शन है आपका सम और है वो आपका ऐड करता है, सम करता है, मल्टीप्लाई आपका एंड करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। 78, अच्छा आपको 77 दिखाई नहीं दे रहा, तो आप पहले 81 देख लीजिए, 80 देख लीजिए। हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू अनकोड ऑल 26 लेटर 10 सिंबल एंड 10 नंबर। तो 80 का आपका 6 है, बी ऑप्शन नंबर। 81 द नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट रिक्वायर टू प्रोड्यूस द टू इनपुट और गेट, तो क्या होगा आपका 81 का सी, 3। 82 वॉट लॉजिक फंक्शन इज ऑब्टेन बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू द इनपुट ऑफ एंड गेट। एंड गेट का इन्वर्टर कौन करता है आपका, सभी को पता है। 82 का आपका ऑप्शन नंबर डी, एन और गेट। 83 का आपका नैंड गेट है, एन ए एन डी, नैंड गेट आपका सी, काफी रिपीट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। 84 वॉट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू द आउटपुट ऑफ द एंड गेट। अगर आप एंड गेट में इन्वर्टर लगा सकते हो तो आपका क्या आउटपुट आएगा, तो आपका एन और गेट। 85 एन और गेट कैन बी इमेजिंग एज, 85 का बी, स्विच कनेक्टेड इन पैरेलल। 86 वॉट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एंड गेट, तो 86 का आपका सी और गेट। विच ऑफ द फ्लोइंग बुलियन एलजेब्रा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कम्युनिटिव लॉ, तो 87 का आपका सी, ए प्लस में बी इक्वल टू बी प्लस में ए। 88 दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है सभी को 88?
For what logic gate the output is complement of the input? तो 88 का आपका ए नॉट है. एट्टी नाइन का आपका डी ऑप्शन राइट है, पढ़ लीजिए. 90 का आपका इन विच कोड द सक्सेसिव कोड करेक्टर डिफरेंस इज ओनली वन बिट पोजिशन. तो 90 का आपका ए ग्रे कोड. इधर आप 76 तक आप कर चुके थे. 77 देखिए आपका, 77 भी आपने कर लिया था. 78 देखिए, द पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो एज नेगेटिव. 78 में आपका डी ऑप्शन सही है, और गेट आपका नेगेटिव होता है, एंड गेट आपका पॉजिटिव होता है. और गेट आपका क्या होता है, आपका नेगेटिव. 89 का विच टेबल शो द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ डिजिटल सर्किट आउटपुट फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई होगा आपका. और आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर जो आंसर आएगा 95 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 50477. 96 का व्हेन एन ओल्ड नंबर इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर द एलएसडी इज. 96 का ऑप्शन नंबर बी 1. 97 विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक फैमिली यूज